गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम जय भारत। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन के साथ। तो दोस्तों, अभी जो मैं अब सीढ़ियाँ इतनी ऊंची उतर रहा हूँ, मैं आया हूँ एटीएम से बाहर। एटीएम से बाहर आने के बाद क्या है, अभी मेरे को सुबह सुबह कॉल आ गया है, तो मुझे जाना है सीधा ऑफिस में। सुबह के बज चुके हैं 8, तो अभी मैं निकलता हूँ, पहले मेरे को जाना है। और ये देखो, ऊपर ICICI का एटीएम था, तो एटीएम से पैसे निकाल के लाया था। तो ये हमारी कंपनी गाड़ी है, मुझे लग रहा है इसका कमानी यहाँ पटा टूट गया है, इसीलिए देखो ये कमानी लेके गया हुआ है, यहाँ से कमानी नहीं है इसकी, तो कमानी टूट गई, कमानी हमारी पटा कोई पटा टूट गया होगा। जैसे इधर है ना, देखो इधर मैं दिखाता हूँ, इधर एक तो इसकी कमानी क्या है ना, पीछे वाले टायरों की छोटी होती है, तो छोटी होने के कारण ना दिखाई नहीं देती। देखो टायर से इधर से तो दिखेगी नहीं, वो अंदर से ही दिखेगी, बाकी इधर कमानी होती है कुछ पटों की, तो उसके ऊपर ये बैलेंस करता है। दोस्तों, ऐसा टाइम हो गया है कि हम सोच रहे हैं कि यहीं से नहा धो के फिर निकलें। जब तक क्या है ना, वहाँ सामने देखो, वहाँ नहाने की वो बंदा नहा रहा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से नहा धो के ही निकलते हैं, जिसमें बढ़िया रहेगा जल्दी जल्दी। फिर यहाँ से रुकने का क्या है, अब रुकेंगे कहीं तो दिक्कत होगी, जब तक नहा धो के फिर कहीं नाश्ता कर लेंगे आगे, ठीक है। तो नहा लेते हैं, चलो मिलते हैं नहाने के बाद, ओके। तो दोस्तों, नहा धो के हो गए रेडी, अब खाली अपन टी शर्ट पहन लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि तकरीबन 9 के आसपास का टाइम हो गया है, और ये लोग डेट जो है हमारी लोडिंग की कल की ही देते हैं, ठीक है। वही क्या फंस गया, अच्छा, क्योंकि आज की डेट नहीं देते ये लोग, डेट एक दिन पहले की ही देते हैं बस। रास्ते के तौर पर हमने अभी ये चने रात को भिगा दिए थे, इतने दिनों से मेरे पास चने रखे हैं, मुझे पता ही नहीं था, और मैंने देखने की कोशिश नहीं करी। ये खाते खाते चलेंगे और अपना नाश्ता भी हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर आगे चलेंगे कहीं राइस वाइस खाएंगे। जब तक गाड़ी स्टार्ट है अपन टायर चेक कर लेते हैं, है ना, चलो। हमारी गाड़ी अभी मैं इस पे बाईपास पे चढ़ा हूँ, तो हमारी कंपनी की एक गाड़ी है जो ब्रेक डाउन हो गई है, चलो इससे पूछते हैं हुआ क्या है, क्या दिक्कत हो गई है। ये देखो, ये रोड पर खड़ी है 2131। कोई ड्राइवर ही नहीं है, अब पूछे किससे, आसपास कोई नहीं है, तो कुछ हो गया होगा, लेने गया होगा मिस्त्री, क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसा। ये पहली गाड़ी मैंने आज देखी है इतने सालों में कि हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन खड़ी है। तो दोस्तों, टमपुर पार करके हम रुके हैं और यहाँ से भरवा लेते हैं पानी, क्योंकि मेरे पास पानी है नहीं और पानी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है ना, इनके पास मिलता है पूरा वो बॉटल 20 लीटर वाला। लाओ, उधर से उधर लेना। तो अभी आपको मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं कहाँ का लोड करके ले आऊँ, मैंने रात को भी नहीं बताया। तो दोस्तों, मेरा जो लोड है वो है अहमदाबाद गुजरात का, और गुजरात में यहाँ से बम्बई होके जाऊँगा। या हिंदी में मतलब भूख ज़्यादा तेज होने लगी है, तो चलते हैं यहाँ पर। यहाँ कर्नाटका में हमें सबसे अच्छा लगता है जो रोड साइड होटल होते हैं ना, ये वाले सबसे बेस्ट होते हैं, इन पर खाना भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है और खाना अच्छा देते हैं, तो चलो इनके पास खाते हैं। क्या है खाने में, कुछ पुलाव और क्या है, क्या टमाटर राइस, अच्छा ओके, टमाटर राइस, नींबू राइस, ओके, लेमन राइस ना, और क्या है, बस ये दे दो टमाटर दो से। तो ये दो तरीके का आइटम है यहाँ पर, लेमन राइस है और टमाटर राइस है, तो टमाटर राइस खाते ही तो टेस्टी होता है, इन लोगों का मसाला राइस चलता रहता है ना। लीजिए लीजिए, दीजिए दीजिए, है ना, नहीं सांबर में, सांबर में है,
ओके ओके बस इनका ये इधर ये ठीक है, कई तरीके का लेमन राइस और वगैरह वगैरह बनाते हैं ना, मज़ा आ जाता है। थोड़ा तीखा है भाई, इसमें मिर्ची वाली पकौड़ी और तीखी होगी। मतलब तो कई आइटम डाल के बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्टी रहता है। इसमें तो मजा आ। कितना पैसा हुआ? क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? मनोज। मनोज, गुड मनोज। ए तुमको काउंटिंग, मेरे को काउंटिंग सिखाएगा क्या? 1 to 10 यहाँ का कितना? 1 को क्या बोलते? वंदु। 2 को? एरडू। 3 को? मूरु। 4 को? नालकु। 5 को? ऐदु। 6 को? आरु। और 7 को? योडु। 8 ओंबत्तु। 10 1 to 10। ओके, आज हमने उस दिन तेलुगु में हमने सीखा था, तेलंगाना में, तेलंगाना में हमने 1 to 10 सीखा था, आज हमने यहाँ पे 1 to 10 सीखा। अच्छा, अब दोबारा मेरे को वीडियो देख के सीखना पड़ेगा। अब चलेंगे सीधा यहाँ से, क्योंकि ये खाना सबसे बेस्ट हो गया दोपहर का। गर्मी में तो जलपन, जिस खाने में ज़्यादा पानी की मात्रा हो ना, वो खाना चाहिए। अब चावलों में ज़्यादातर पानी का वो होता है, चलता है, रोटियों से ज़्यादा बेस्ट होता है गर्मी के अंदर। तो चलो चलते हैं, रुकेंगे सीधा 4 घंटे बाद। You look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. तो दोस्तों दोपहर के 4 घंटे हमारे पूरे हो गए हैं। मैं 12:10 में चला था, उसके बाद फिर हमने चावल भी खाए थे, लेकिन हमारे 4 घंटे अब पूरे हो गए हैं। तो अब हम इसको गाड़ी को रोकते हैं आधा घंटे के लिए। ये एक होटल आया है यहाँ पर, मैं चला हूँ वहाँ से जब से खाना खा के, उसके बाद से अभी तक रुका नहीं हूँ। तो टायर देख लेना, गर्मी इतनी हो रही है, और इसमें जो वजन है, जो हमारा टोयोटा का वजन बैठता है, वो लगभग 29-28, मतलब लगभग पूरी गाड़ी का वजन बराबर सा ही हो जाता है, 28-29 टन पूरा बैठेगा। अभी हमको यहाँ तो नहीं पता लगेगा, ये लगेगा हमको गुजरात बॉर्डर से पहले महाराष्ट्र मिलेगा तब, क्योंकि इस रोड पर कांटा नहीं है, ना कर्नाटका में है ना वहाँ है। कर्नाटका में तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। तो चलो अभी देखते हैं उतर के, ठीक है, इतनी गर्मी में। ओहो, अभी फिर भी नॉर्मल है, इतने गर्म नहीं हुए। एक तो क्या है ना, 4 लाइन पे हम लोगों के ब्रेक कम यूज़ होते हैं, जितने ज़्यादा ब्रेक कम यूज़ होंगे उतने ज़्यादा टायर गर्म कम होंगे, क्योंकि उसका भी दोनों तरफ से फ़र्क पड़ता है ना। अगर ब्रेक लेंगे तो रोड से ही फ़र्क पड़ेगा, और इसके लेदर से ही फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से तुरंत गर्म हो जाती है गाड़ियाँ। पानी ठंडा है क्या ना? अब चलते हैं यहाँ से, आधा घंटा हो गया है तो रुकना यहाँ से। सीधा मैं कोशिश करूँगा कि मैं पेट्रोल पंप तक पहुँच जाऊँ, आज कैसे भी पेट्रोल पंप पहुँच जाऊँगा ना, तो वहीं सो जाएंगे। वहाँ से सुबह उठ के चलेंगे तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, सुबह के टाइम से आज उठ के चलेंगे। फिर मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी यार, एडिटिंग का थोड़ा सा मेरे पास वो रह जाता है, समय रह जाता है। तो चलें, आधा घंटा पूरा हो गया, गर्मी हाय अल्लाह, हे भगवान क्या होगा, हे वाहेगुरु बचा ले।
यहाँ से है हमारा 160 लीटर तेल और यहीं हम लोग अभी रात को स्टे करेंगे, यहीं डीजल भरवाते हैं, डीजल भरवा के उधर पार्किंग में लगा लेंगे। जैसे जब गोवा गए थे ना तो यहीं सोए थे, अभी दोबारा डीजल आया हमारा 125 लीटर और टंकी फुल हो गया। गाड़ी अभी हमें ना बैक करके डीजल हमने भरवा लिया ना, तो गाड़ी हम इधर लगाएंगे। अब वो भाई वो धो रहा है, उसको टाइम लगेगा। अब ये भाई ये जाने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे निकालेंगे ना गाड़ी, तो इधर जगह नहीं है अपने पास। क्या दोस्त, मॉर्निंग में निकलोगे क्या आप लोग? नहीं जाएंगे, दोनों गाड़ी निकलेगा। तो आपके पीछे लगा दूं मैं गाड़ी, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे जाऊंगा। आप लोग अगर इधर रुकते हैं तो सुबह नहीं जाएगा। हाँ अभी 10 बजे के बाद निकलेगा। हाँ जब आप लोग निकलेंगे ना, हाँ तो मैं आपको पीछे डाल देता हूँ, फिर मैं आगे कर लूँगा कोई। चलो ये अच्छा हुआ, अभी अपन क्या करते हैं इसके पीछे लगा लेते हैं, ये गाड़ी निकलेगी तो आगे करके लगा लेंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे फिर हम लोगों को समस्या हो जाती। पिछली बार आधा घंटा डेढ़ घंटा हम लोग रुके रहे थे। ठीक, सुबह से हम लोगों ने गाड़ी जो चलाई है 430 किलोमीटर गाड़ी चला दी, गाड़ी 9 बजे के बाद चलने के बाद भी मैंने। और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 7:40, तो फटाफट अपनी एडिटिंग पे लगते हैं हम, है ना। चलो दोस्तों ऐसा है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि रात को मैं कई बार स्किप करता हूँ, अच्छा रहता है रात को स्किप करना खाना। तो अपन लस्सी पीते हैं, थोड़ा सा एक गिलास लस्सी पीते हैं, बढ़िया मीठी लस्सी मिलती है। ये क्या है? बच्चे देख रहे हो बीचों बीच बैठे हुए हैं, घर में एक लस्सी एक गिलास दो ना भाई। तो भाई पी लेते लस्सी और फिर चलते गाड़ी में आराम से एडिटिंग करेंगे। नींद तो वैसे अभी आ रही, क्योंकि कल रात को लेट हो गए थे हम लोग काफ़ी, तो अभी देखते हैं कब तक झेल पाते हैं।